हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे छोले भटूरे। एकदम सॉफ्ट भटूरे बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। बिना सोडा का ही एकदम सॉफ्ट भटूरे बनाएंगे और छोले भी एकदम बाजार जैसा ही टेस्ट आएगा। एकदम आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक कटोरी छोला लगभग 200 ग्राम लिया है, उसको 6 से 7 घंटे भिंगो कर लिया है। देखिए इस तरह से भिंगो कर ले लेना है। छोले के लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर 2 प्याज 2 मिर्च लिया है, 1 गांठ लहसुन अदरक लिया है। देखिए सभी को छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है, बहुत बारीक नहीं करेंगे। छोले हम डायरेक्ट कुकर में ही बनाएंगे। अब गैस ऑन कर लेंगे। कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब धुआं निकलने लगे तेल से, तब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, लाल मिर्च तेज पत्ता डालेंगे और थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। लौंग इलायची लिया है, काली मिर्च लिया है। तड़के को हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब तड़के को 1 मिनट पका लिया है, अब इसमें पहले लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हल्का ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे, लगभग 1 से 2 मिनट पकाएंगे। देखिए लहसुन का कलर हल्का ब्राउन हो गया है, तब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को पकाने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा हाई रखेंगे। प्याज को बराबर चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट पकाया है, अब यहीं पर अदरक डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का ब्राउन कलर आने तक ही पकाना है। हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे, बस प्याज को इतना ही कलर आने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आने तक नहीं पकाना है। प्याज को हल्का सा भून लिया है, अब इसमें छोले डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। छोलों को 3 से 4 मिनट इसी तरह से पका लेंगे, ढककर 2 से 3 मिनट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। छोले को लगभग 3 से 4 मिनट मैंने तड़के के साथ पका लिया है। चने को थोड़ी देर तड़के के साथ पका लेंगे, इससे टेस्ट छोले का अच्छा आएगा। अब यहीं पर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मसालों को छोलों में मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भुन जाएंगे। अब यहीं पे छोले मसाले डाल देंगे या चना मसाला भी डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने छोले मसाला डाला है। थोड़ा सा पानी और डालकर मसालों को मिला लेंगे। मसालों को 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर भून लेंगे। मसालों को भूनने के लिए गैस का आँच कम ही रखें, नहीं मसाले जल जाएंगे। अब 2 मिनट भून लिया है, अब इसी में टमाटर भी ऐड कर लेंगे। अब टमाटर के साथ ही स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। नमक को मिला लेंगे, टमाटर को ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, टमाटर को गलाएंगे नहीं। कुकर को जब कवर करके पकाएंगे तो छोले के साथ ही टमाटर गल जाएंगे। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे, पानी इतना रखेंगे कि छोले के ऊपर तक रहे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे ताकि छोले आसानी से पक जाए। लगभग 3 से 4 गिलास पानी डालें। अब इसको कवर करके पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा हाई रखें। छोले को हमें लगभग 5 से 6 सीटी आने तक पकाना है, उतना में छोले आसानी से पक जाएंगे। छोले में डालने के लिए चाय को पका लेते हैं। यहाँ 1 गिलास पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। अब चाय पत्ती को हाई फ्लेम पर अच्छे से उबाल लेंगे। अब चाय पत्ती को पानी के साथ हाई टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पका लेंगे अच्छे से। चाय का कलर पानी में अच्छे से आ गया है, गैस ऑफ कर देंगे। अब छोले चेक करेंगे, कुकर का प्रेशर निकल जाए तब खोलेंगे। कुकर का कवर हटाने के बाद छोले चेक कर लें, अच्छे से ना पके हों तो 2 सीटी और लगा लें। और मैंने यहाँ पर छोले चेक किए हैं, अच्छे से छोले पक गए हैं, गल गए हैं। इस तरह से छोलों को पकाना है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अभी इसको पकाएंगे चाय के पानी के साथ। अब इसको गैस पे रखेंगे, अब इसमें चाय का पानी डालेंगे। छोले में जो चाय का पानी डालते हैं उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, एकदम मार्केट जैसा ही छोला लगता है। चाय का पानी डालने के बाद गैस ऑन कर देंगे, अब इसमें 1 बॉयल आने देंगे। अब इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, तो मैंने 1/2 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा डाला है। इसमें खाने का सोडा ही डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे। और इसमें बेकिंग सोडा चाय का पानी डालने के बाद ही डालें। और छोले में खाने का सोडा का यूज़ इसलिए किया जाता है, जो छोले के ऊपर थोड़ा मोटा स्किन रहता है वो स्किन पतला हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। और छोले को थोड़ा सा मैश करते हुए मिक्स कर लें, इससे ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा। अब 4 मिनट पका लिया है, तो अब 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और यहीं पर 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर भी डालेंगे, आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, छोला रेडी है, गैस लो रखेंगे। अब कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा गर्म करके महीन करके ले लिया है, अब इसमें मिक्स कर लेंगे। अब छोले रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, छोले में मिला लेंगे। छोला रेडी है। और ये देखिए, जो छोले में हमने बेकिंग सोडा डाला था उससे छोले का स्किन कितना हल्का हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। और ये देखिए छोले का कलर भी परफेक्ट आ गया है। अब छोला रेडी है, अब छोले में बस लास्ट में तड़का लगाएंगे। अब गैस पे पैन रखेंगे और 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे।
तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हींग डाल देंगे। दो हरी मिर्च को मैंने कट करके डाला है। तड़के को 1 मिनट पकाने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। अब लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, गैस ऑफ करने के बाद ही डालें। लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद तुरंत बाद ही तड़के को छोले में डालकर मिला लें। और छोले में जो ऊपर से तड़का लगाते हैं उससे छोले में सुपर टेस्ट आ जाता है और एकदम मार्केट जैसा ही टेस्ट आ जाता है छोले का। तड़का मिक्स करने के बाद ढक देंगे। अब छोला रेडी है, छोले के लिए भटूरे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 बॉयल आलू लिया है, इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या आप इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लें ताकि इसमें गांठे न रहें, और अच्छे से ग्रेट करके ले लेंगे। और मैंने इसमें 1/2 कटोरी मैदा और 1/2 कटोरी आटा दोनों ही लिया है। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, चाहे तो आटा से भी बना सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे, आलू में गांठे नहीं रहनी चाहिए नहीं तो भटूरा बेलेंगे तो फटेगा। और यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी दही लिया है, इसी से आटा गूंथेंगे। अब इसको आटा में अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। और डो को हमें न ज़्यादा टाइट रखना है और न बहुत ज़्यादा ढीला रखना है, और हथेली से दबाते हुए आटा को गूंथ लेंगे। अब लास्ट में आटा गूंथते टाइम अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें। आलू डालने से थोड़ा आटा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, चिपकता है। तो आटा को इसी तरह से लगा कर ले लेंगे। देखिए इस तरह से सॉफ्ट लगाना है, 5 मिनट के लिए रख देंगे। आटा को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, या तुरंत ही बना देंगे नहीं तो मैक्सिमम 5 मिनट रखेंगे। अब चकले पर हल्का सा तेल लगा कर लोई काट लेंगे। भटूरे जिस हिसाब से छोटा या बड़ा बनाना हो उस हिसाब से लोई निकाल लेंगे। अब एक लोई लेंगे, लोई को बेलने के लिए चकले पर और बेलन पर तेल लगा लें। ऑयल लगाने से चिपकेगा नहीं, आसानी से बेल लेंगे। और इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के बेल लेंगे। अब बेल कर ले लिया है, अब इसको डीप फ्राई करेंगे। अब ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे। और तेल को अच्छे से हीट करने के बाद ही मैंने भटूरे डाला है। अब भटूरे के ऊपर से ऑयल डालेंगे ताकि भटूरे अच्छे से फूल जाएँ। और भटूरों को पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। देखिए इस तरह से। अब प्लेट में छोले और भटूरे को सर्व करेंगे। छोले को आप चावल से भी खा सकते हैं, छोले को आप कुलचा रोटी से भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोले के साथ भटूरे देखिए सर्व कर दिया है प्लेट में, और कितना ही अच्छा भटूरा और छोला बना है, और भटूरे देखिए कितना ही सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी छोले और भटूरे बनाकर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा। मेरी नई रेसिपी देखनी है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।